टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अस्थमा एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडी द इटियोलॉजी एंड द पैथोजेनेसिस अबाउट द अस्थमा इन आवर द फर्स्ट पार्ट ऑफ अस्थमा एंड वी स्टार्ट द सेकेंड पार्ट एज द क्लिनिकल फीचर्स एंड वट एवर द सिम्टम्स एंड सेवरल अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड द ट्रीटमेंट रिगार्डिंग दिस अस्थमा एंड वी कैन सी ऑल्सो हाउ द अस्थमा can affect the normal life and first we see ki in normal inspiration and expiration normally inspiration is the active process and expiration is passive process okay क्या होता है कि जब इंस्पायरेशन में अगर कोई जैसे पर्सन ब्रीथ कर रहा है अपने अंदर सांस ले रहा है तो एक्टिवली तो वो अपने फोर्सफुली ब्रीथ कर लेता है सांस ले लेता है लेकिन दिक्कत आती है जब अस्थमा में क्या होता है कि जो ब्रोंकियोल्स है वो हाइपरप्लेजिक हो चुके हैं उसमें म्यूकस ग्लैंड का सिक्रीशन भी ज़्यादा हो चुका है तो नॉर्मली क्या होता है कि जो जब वो पेशेंट अगर एक्सपायर करता है तो उसमें क्या है कि उस समय एयर ट्रैप होता है ठीक है तो जब एयर ट्रैप होगा पूरी तरह से अगर CO2 अगर बाहर नहीं आएगा ठीक है तो उस दौरान क्या होगा कि इस पेशेंट में एक तरह से वीजिंग साउंड आता है जिसमें कि क्या होता है एक्सपायरेटरी लैग होता है इस साउंड को कहते हैं विज साउंड जिसमें एक्सपायरेटरी लैग होता है ठीक है तो इसमें यह देखा जाता है कि विज साउंड ये नॉर्मली एक्सपायरेटरी लैग होता है क्यों क्योंकि एक्सपायरेशन के दौरान हमें क्या होता है कि ये ज़्यादा फोर्सफुली हमें मतलब बाहर निकालना रहता है और पेशेंट क्या होता है कि उस दौरान एयर को जब ट्रैप होता है उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है तो इस ऐसा आवाज़ आता है फिर क्या होता है कि अगर पेशेंट जैसे रात को जैसे सोता है तो इसमें देखा जाता है नॉक्टर्नल कफ ठीक है रात में ये कफिंग ज़्यादा ही पेशेंट मतलब उस समय ज़्यादा इरिटेट होता है ठीक है स्मूथ मसल हमारा अस्थमा में और क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि रात में सोने पर उसकी अंदर जो है कभी कभी डिस्पनिया भी शो करता है लेकिन वो जो डिस्पनिया होता है वो नॉर्मली क्या होता है कि एकदम जिसको कहा जाए लगातार नहीं होता है कहीं कंटिन्यूस नहीं बना रहता है वो क्या होता है कि इसमें एक तरह से इंटरमिटेंट होता है ये अभी सीवियरिटी की उतना सीवियरिटी की बात नहीं कहा अगर सीवियरिटी अगर आती है पेशेंट में तो वो कुछ भी हो सकता है मान इंटरमिटेंट अभी है वो सीवियर में क्या होता है कि उसको ब्रीदिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है लेकिन क्या है ना कि अगर हम इसको अगर क्लासीफाई करते हैं जैसे कि COPD को देखते हैं और अस्थमा को देखते हैं तो इसमें जो है अपना जो स्मूथ मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें क्या होता है कि ये रिवर्सिबिलिटी होता है अस्थमा जो है रिवर्सिबिलिटी शो करता है लेकिन COPD में क्या होता है कि इरिवर्सिबल होता है उसमें अगर एक बार सीवियरिटी अगर गेन कर जाता है तो वो डिफिकल्ट होता है उसको ट्रीट करना लेकिन क्या है कि अगर अस्थमा है अगर एक्यूट एग्जर्वेशन की बात अगर छोड़ दें तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होता है रिवर्सिबल होता है ठीक है लेकिन क्या होता है कि अगर जब पेशेंट क्या होता है कि कोई अगर पेशेंट है वो आपके पास प्रेजेंट करता है नॉर्मली क्या होता है कि पेशेंट इसमें अगर एक्यूट एग्जर्वेशन होता है मान लीजिए एक्यूट के लिए क्या हो सकता है कि पेशेंट को मान लीजिए अगर कोई इन्फेक्शन है ठीक है जैसे कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन होता है तो वो एक्यूट एग्जर्वेशन कर सकता है उसको और सीवियरिटी गेन करा सकता है अस्थमा का और क्या होता है कि देखा जाए जैसे कि इसमें हम लोग जैसे पेशेंट आया अगर वो पेशेंट को हम देखते हैं कि सबसे पहले जब पेशेंट आया वो हाइपर वेंटिलेशन में होता है पेशेंट आपके पास अगर इमरजेंसी में अगर प्रेजेंट हो रहा है तो वो नॉर्मली क्या होता है कि हाइपर वेंटिलेशन में है वो हाइपर वेंटिलेशन उसके लिए क्या होता है कि लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा हो सकता है कब जब जब हम उसका SpO2 अगर मेजर करते हैं अगर लेस देन 92% है तो उसमें क्या होता है कि चांसेस जो है कि मतलब वो वर्सन हो सकता है और ज़्यादा वर्सन हो सकता है इस कंडीशन में और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है इसमें क्या होता है जब ये हाइपर वेंटिलेशन करेगा उसके चलते क्या होगा दिस हाइपर वेंटिलेशन कॉजिंग रेस्पायरेटरी एल्कलोसिस इसमें सबसे पहले क्या करेगा रेस्पायरेटरी एल्कलोसिस करेगा क्यों क्योंकि क्या है कि जब इसमें क्या होता है कि कार्बोनिक एसिड जो होता है इसमें जो कि कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है और मतलब कैरी होता है हमारे बॉडी में तो अगर क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा अगर CO2 हाइपरवेंटिलेशन के दौरान जब बाहर जाएगा तो उस दौरान क्या होगा कि जो CO2 है मतलब हम रिलेट करते हैं जैसे H2CO3 के साथ
कार्बोनिक एसिड के साथ, तो जो एसिड है वो थोड़ा सा कम है, मतलब CO2 बाहर निकलेगा तो एसिड कम होगा, तो इसके चलते हम कह सकते हैं कि रेस्पायरेशन के थ्रू एल्केलोसिस का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, जब रेस्पायरेटरी एल्केलोसिस होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, बॉडी में जो है pH जो है बढ़ जाएगा। दूसरा समझते हैं, लेकिन कुछ देर बाद, अगर कुछ समय बाद क्या होता है कि पेशेंट को अगर हम ये देखते हैं कि पेशेंट फिर जो है जो अपना जो ब्रीथ कर रहा है वो स्लो हो गया उसका, ठीक है, वो लेट, अगर लेट हम रेस्पायरेटरी, लेट रेस्पायरेटरी अगर फैटिक हो जाता है, मतलब पेशेंट अब बहुत तेज अगर सांस लेता है, इसके बाद क्या होता है वो थक, मतलब जब उसका मसल्स जो जो भी मसल्स है उसका ब्रीदिंग मसल्स है वो थकता है, तो अब वो पेशेंट शो करेगा आपको हाइपोवेंटिलेशन। ठीक, हाइपोवेंटिलेशन शो किया, और वो हाइपोवेंटिलेशन क्या करेगा, पेशेंट को फिर क्या करेगा, अब ये CO2 जो है CO2 जो CO2 को अब कैप्चर ज़्यादा होगा, एयर का जो है कैप्चर, पेशेंट क्या कर रहा है कि ब्रीदिंग तो सही कर रहा है, ऑक्सीजन सही अमाउंट में ले रहा है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो इस हाइपोवेंटिलेशन के थ्रू, अच्छा हाइपोवेंटिलेशन के थ्रू क्या हो जाएगा, पेशेंट डेवलप कर लेगा रेस्पायरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, पेशेंट क्या डेवलप कर ले रहा है, रेस्पायरेटरी एसिडोसिस, और ये रेस्पायरेटरी एसिडोसिस इसमें क्या होता है, पीएच जो है वो कम हो जाता है, और ये क्लियर इंडिकेशन होता है कि भाई आप पेशेंट को जल्द से जल्द इंट्यूबेशन पे लाएं। ठीक है, पेशेंट को शिफ्ट करें इंट्यूबेशन पे या मैकेनिकल वेंटिलेशन पे, पेशेंट को जल्द से जल्द शिफ्ट कीजिए, ठीक है, मैकेनिकल वेंटिलेशन पे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पेशेंट क्या हो सकता है, पेशेंट को हम लोग खो सकते हैं, पेशेंट डेथ भी कर सकता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि ये जो मतलब डिफिकल्टी ज़्यादा हो जाता है उसका ब्रीदिंग का, वो अब साइनोसिस में जाने लगेगा, हाइपोक्सिया, साइनोसिस हाइपोक्सिया सब कंडीशन में जाने लगेगा, उसका सेल डेथ करेगा। ठीक है, और बहुत सारा जैसे कि इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स इसमें जो इतना भी रिलीज हो रहे हैं, जैसे लिकोट्राइंस जो भी रिलीज हो रहा है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्सन करेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें हम नॉर्मली ये देखते हैं कि पेशेंट को तो हम मान लीजिए इंट्यूबेशन करा दिए, मैकेनिकल वेंटिलेशन पे रख दिए, लेकिन क्या होता है उसमें भी उस पेशेंट को आपको ध्यान रखना था कि ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं पेशेंट को इंट्यूबेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन पे, नहीं तो क्या होता है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया का भी ये कारण बन सकता है, जो हम निमोनिया, हमारा निमोनिया वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं निमोनिया के बारे में कि कैसे वो डेवलप करता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कैसे निमोनिया डेवलप होता है, अगर हम सेवरल अगर डायग्नोस्टिक बायस और जो भी इंट्यूबेशन अगर हम करते हैं तो उस दौरान क्या हो सकता है। अब देखते हैं इसकी सीवियरिटी में क्या होता है कि हम बहुत सारा चीज जो पैथोजेनेसिस पढ़े थे, दो पॉइंट हम यहां पे और हाईलाइट करना चाहते हैं कि मान लीजिए पेशेंट में एक आता है एडम 33 जीन। ठीक है, अगर इस पेशेंट में अगर एडम 33 जीन का अगर शो होता है तो वो पेशेंट में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेसिव फाइब्रोसिस होता है उस मतलब मसल्स में, और स्मूथ मसल का हाइपरप्लेजिया भी ज़्यादा होता है, स्मूथ मसल्स का हाइपरप्लेजिया भी ज़्यादा होता है, तो जिसके कारण क्या होगा कि और ये सीवियरिटी को बढ़ा देगा। और एक और चीज़ जैसे कि YKL40 प्रोटीन जो है, अगर ये अगर शो होता है अस्थमा के दौरान तो ये आपको सीवियरिटी को दर्शाता है कि अस्थमा जो है आपका ज़्यादा सीवियर हो चुका है, सीवियरिटी ऑफ अस्थमा को शो करता है। ये दो पॉइंट आपके रॉबिन्स बुक में ये दिया है। ठीक है, तो आप इसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है कि और देखा जाए कि जब हम मान लीजिए कि जब पेशेंट जब पूरी तरह से एयर को एक्सहेल आउट नहीं कर पाता है तो वो एयर क्या होगा, ट्रैप होगा, तो उस ट्रैप के चलते क्या होगा कि हाइपर इन्फ्लेटेशन का शो करेगा, चेस्ट जो है बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेट नॉर्मली जो है हम जैसे कि अगर एक्सरे देखते हैं, ठीक है, तो हाइपर इन्फ्लेट हुआ एक्सरे देखेंगे तो उसमें पोस्टेरियर रिब्स देखेंगे, एंटेरियर रिब्स देखेंगे, पोस्टेरियर रिब्स अगर हम जैसे बात करते हैं जब भी हम एक्सरे देखते हैं तो पोस्टेरियर रिब्स ज़्यादा होरिजेंटली होता है और जो अपना एंटेरियर रिब्स होता है वो मेनली ज़्यादा ऑब्लिक होता है। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मली अगर ज़्यादा अगर हाइपर इन्फ्लेट होता है, ये मतलब पूरी तरह से मतलब क्या होता है ना कि पूरी तरह से डायग्नोस्टिक नहीं है, एक्सरे डायग्नोस्टिक नहीं है कि आप हाइपर इन्फ्लेटेशन हुआ तो आप कह सकते हैं कि हाँ वो अस्थमा हो चुका है, नहीं, COPD में ये ज़्यादातर देखा जाता है, तो एक रिलायबल नहीं है पूरी तरह से। ठीक है,
और क्या कर सकते हैं कि जैसे मानिए कि जब पेशेंट आया तो हम मतलब इसमें जांच कराने के लिए लेबोरेटरी डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आप इसमें इस्नोफीलिया भी देख सकते हैं। इस इस्नोफीलिया को आप टेस्ट करने के लिए सब स्किन टेस्ट कर देंगे उसको, एलर्जेंस को देखने के लिए, ठीक है। अगर ये पेशेंट आपके पास और प्रेजेंट करता है तो सबसे पहले आपका ट्रीटमेंट मॉडलिटी क्या होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि जब पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है तो आपको स्टार्ट करना है सबसे पहले शॉर्ट एक्टिंग साबा, ये ट्रीटमेंट मैनेजमेंट है। सबसे पहले अगर आ रहा है तो उसको तो ऑक्सीजन की कमी है तो आप ऑक्सीजन उसको आप देंगे, ठीक है। और हॉस्पिटल में हम लोग अभी अपने हॉस्पिटल में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जैसे कि ब्रांड नेम आता है बुडेकोट विथ डुआलिन, आप नेबुलाइजिंग करेंगे, ठीक है। तो इस पेशेंट में आप नेबुलाइजेशन सबसे पहले यूज करेंगे, ओके। नेबुलाइजेशन है, बहुत सारे ड्रग्स उसमें हम ऐड करेंगे, उस क्या होगा उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा। सबसे पहले हम रिलीवर स्टार्ट करेंगे, इसके बाद से जो भी अगर आगे ट्रीटमेंट करना हो वो हम करेंगे और जो भी जरूरत। इसमें क्या है कि हम पूरी तरह से इसका ट्रीटमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, इसके लिए हम फार्माकोलॉजी का अलग ही अस्थमा पे वीडियो बनाएंगे, उसमें आप मतलब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा अस्थमा ट्रीटमेंट के ऊपर आएगा। तो नॉर्मली सिर्फ हम थोड़ा सा देखते हैं, इसमें हम साबा यूज करते हैं, ठीक है, लावा यूज करते हैं, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट हो गया, जैसे कि इसमें आता है साल्मेट्रोल हो गया। साबा जो है इसमें क्या है कि आप साल्बुटामोल को कर सकते हैं, साल्बुटामोल होता है। जब पेशेंट एकदम नॉर्मली एकदम पहले इमरजेंसी में प्रेजेंट होता है तो हम साल्बुटामोल का इनहेलर्स उसमें हम यूज करते हैं, ठीक। फिर लावा है, साल्मेट्रोल हो गया वो लावा है, ठीक। इसके बाद से क्या होता है कि हम बहुत सारा इसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी यूज करते हैं, इसमें यूज कर सकते हैं, बैक्लोमिथासोन यूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जब अगर पेशेंट इसके बाद भी अगर सही नहीं होता है तो उसमें ओरल प्रेडनिसोलोन भी यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब क्या है, आगे थोड़ा सा देखते हैं इसका एक्सरे में क्या होता है कि नॉर्मली जो है जो ब्रोंकियल थिकनिंग होती है इसकी, आप देख सकते हैं ब्रोंकियल थिकनिंग होती है इसमें, क्योंकि हाइपरप्लेजिक हो चुका है, म्यूकोस ग्लैंड ज़्यादा ही मतलब उसका भी क्या हुआ है कि उसका नंबर बढ़ चुका है, तो उसकी डायमेट्रिकल एक्सिस और जो भी है वो क्या हो की है कम हो चुकी है। तो ये नॉर्मली एक्सपायरेशन के दौरान देखा जाता है और ये पूरी तरह से रिलायबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसी में अस्थमा में ये नहीं देखा जाता, 40-60% इसमें देखा जाता है आपको एक्सरे में। अब क्या होता है कि ये जो है पेशेंट को साल्बुटामोल हम लोग इनहेलर्स की तरह यूज करते हैं, इसमें क्या है कि पेशेंट को आप ये है देख सकते हैं, ये इनहेलर है, ठीक है, ये साल्बुटामोल को हम यूज कर सकते हैं एज ए इनहेलर के रूप में। इसके बाद से क्या होता है कि साल्मेट्रोल है ये लॉन्ग एक्टिंग की तरह यूज कर सकते हैं, इनहेलर के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं। और क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर पेशेंट आपको प्रेजेंट करता है एकदम इमरजेंसी में तो हम क्या करते हैं कि इसको यूज करते हैं और पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं। और पेशेंट यहाँ फिर क्या होता है कि अगर पेशेंट को अगर हम रिलीज करते हैं हॉस्पिटल से तो उसको हम उसको जैसे मान लीजिए ज़्यादातर हम उसको प्रीफर करते हैं कि ओरल ड्रग्स ले, और उसके लिए मिथाइल प्रेडनिसोलोन हम ज़्यादातर यूज करते हैं उसमें, ठीक है। बाकी आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट।